अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय सन मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग एक्सरसाइज 3.7 के क्वेश्चन नंबर 40 तक सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोग उस वीडियो का लिंक देखना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल सकता है और यहाँ पे आई बटन में भी जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप लोग चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 की प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं उसका लिंक भी मैंने दिया हुआ, जाकर आप लोग लास्ट में विजिट कीजिए। अगर आज के लेक्चर की बात करूँ तो आज के लेक्चर में हम जो है ना वो एक कदम आगे रखने जा रहे हैं, कि एक्सरसाइज 3.8 को स्टार्ट करने के लिए रहे हैं। इसके अंदर आज के लेक्चर में मैं कवर करूंगा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक। सिंपल हमने इक्वेशंस बनानी है, डेरिवेटिव लेना है, इक्वेशंस बनानी है, वैल्यूज पुट करनी है। सिंपल है, इजी है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं हमेशा के से जो ना वो आपको आपकी प्रॉब्लम्स को इजी कर देता हूं, ताकि आपको इजीली आपका टाइम वेस्ट किए बगैर आपको समझ आ जाए। उससे पहले आपकी ये रिक्वेस्ट यही होती है कि अगर आप चैनल पर नहीं अभी तक हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट टाइम जब वीडियो लेके आता हूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, क्योंकि ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन तो मैं यहां पे लिखूंगा तो आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा। तो मैं जस्ट स्टेटमेंट पढ़ के उसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं जी एरिया फाइंड आउट करना हम लोगों ने। सपोज दैट द रेडियस आर एंड एरिया ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर ऑफ अ सर्कल आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑफ टी। राइट एन इक्वेशन दैट रिलेट्स डी ए बाई डी टी टू डी आर बाई डी टी। उसने आपको एरिया दिया, वो एरिया का फार्मूला दिया, वो कहता है ए विच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। सर्कल का जो है ना वो एरिया हम कैसे निकालते, उसका फार्मूला दिया हुआ है ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। कहते हैं इसका डेरिवेटिव ले डी ए बाई डी टी की रिस्पेक्ट से और इसको रिलेट करें डी आर बाई डी टी से। सिंपल है, देखें जी बात करते हैं। कहते हैं जी आपके पास है ए विच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। ए में कहता है जी आपके पास है पाई आर स्क्वायर, तो सॉल्यूशन की बात करते हैं। कहता है इसका आप लोगों ने डेरिवेटिव लेना, लेकिन लेना डी ए बाई डी टी की रिस्पेक्ट से। तो ले लेते हैं जी हम लोग डी ए बाई डी टी की रिस्पेक्ट से इसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो ये सबसे पहले यहाँ पे पावर रूल लगेगा, 2 पीछे आ जाएगा, 2 को पाई से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये 2 पाई बन जाएगा 2 पाई आर। आर की पावर 2 में माइनस 1 करेंगे तो आर यहाँ पे अकेला रह जाएगा। अब अगेन आपने आर का डेरिवेटिव लेना है, तो अगेन आर का डेरिवेटिव लेंगे आप डी ए बाई डी टी की रिस्पेक्ट से, तो ये बन जाएगा डी आर बाय डी टी। ठीक है जी, आर का डेरिवेटिव होगा डी आर बाई, क्योंकि डी टी की रिस्पेक्ट से ले रहे हैं तो डी आर बाई डी टी होगा, 1 नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हम टी की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं, आर की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव नहीं ले रहे। अगर हम आर की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे होते तो यहाँ पे फिर 1 आना था, डी आर बाई डी टी नहीं आना था। ठीक है जी, तो ये आपके पास आ गया जी डी ए ओवर डी टी विच इज इक्वल टू 2 पाई आर डी आर बटा डी टी। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है सरफेस एरिया आपने फाइंड आउट करना। सपोज दैट द रेडियस आर एंड सरफेस एरिया एस इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर ऑफ अ स्फीयर आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑफ टी। राइट एन इक्वेशन दैट रिलेट्स डीएस बाई डी टी टू डी आर बाई डी टी। कहता है जी आप लोगों ने एस इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर का डेरिवेटिव लें किसकी रिस्पेक्ट से, डीएस बाई डी टी यानी कि टी की रिस्पेक्ट से, और इसको रिलेट करें डी आर बाई डी टी से। इसको भी वैसे का वैसे करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया। तो देखते हैं जी, कहता है जी एस इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, तो आप लोगों ने इसका डेरिवेटिव लेना है जी डी एस बाई डी टी। टी की रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे तो यहां पे आपके पास क्या बनने जा रहा है, 2 ऑब्वियसली यहां पे आपके पास पावर में है तो पावर पीछे आएगी तो 4 मल्टीप्लाई 8 बन जाएगी 8 पाई आर आर, और आर का फिर दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे तो ये बनेगा, क्योंकि टी की रिस्पेक्ट से ले रहे हैं तो डी आर बाई डी टी आ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक 8 पाई आर डी आर बाई डी टी यही इसका फाइनल आंसर, फाइनल आंसर है 8 पाई आर डी आर बाई डी टी। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। वेरी शॉर्ट, वेरी सिंपल, वेरी इजी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं जी अज्यूम दैट वाई इज इक्वल टू 5x एंड dx by dt विच इज इक्वल टू 2, फाइंड dy बटा dt। यानी कि उसने आपको y दिया हुआ, वाई फंक्शन दिया हुआ, कहता है जी y विच इज इक्वल टू 5x के है, इसका आपने डेरिवेटिव लेना है किसकी रिस्पेक्ट से, t की रिस्पेक्ट से। तो t की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे, उसके बाद जहां पे हमारे पास dx by dt बनेगा उसकी वैल्यू 2 पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं जी, वेरी सिंपल, एज्यूम दैट y इज इक्वल टू 5x। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है जी y विच इज इक्वल टू 5x, इसका आप लोग डेरिवेटिव लेना है dy by dt की रिस्पेक्ट से। तो लिखें यहां पे dy by dt विच इज इक्वल टू, अब देखें जी
आपके पास यहाँ पे हम लोगों ने इसका डेरिवेटिव लेंगे, 5x का डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास, क्योंकि हम लोग डेरिवेटिव ले रहे हैं टी की रिस्पेक्ट से, तो यहाँ पे तो टी नहीं है, यहाँ पे तो एक्स है, तो फिर फाइव वैसे का वैसे आएगा और एक्स की जगह पे बनेगा डी एक्स बाय डी टी। ठीक है जी, फाइव तो कॉन्स्टेंट है ना, फाइव तो कॉन्स्टेंट हमारे पास यहाँ पे एक्स के साथ, हम इसको वैसे का वैसे लिखेंगे, एक्स पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो क्योंकि यहाँ पे टी की रिस्पेक्ट से यहाँ पे एक्स है तो इसका वन तो नहीं हो सकता, तो फिर यहाँ पे क्या बनेगा डी एक्स बाय डी टी। ठीक है, अब डी एक्स बाय डी टी की उसने आपको वैल्यू दी हुई है टू दी हुई है, तो यहाँ पे टू पुट कर दें तो ये बनेगा डी वाई बाय डी टी विच इज इक्वल टू फाइव मल्टीप्लाई टू विच इज इक्वल टू टेन। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर थ्री। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर फोर में कहता है टू एक्स प्लस थ्री वाई विच इज इक्वल टू ट्वेल्व, आपने यहाँ पे फाइंड करा डी एक्स बाय डी टी, तो हम लोग डी एक्स बाय डी टी यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, यानी कि इस सारे फंक्शन का हम लोग डेरिवेटिव लेंगे टी की रिस्पेक्ट से, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा टू, तो वैसे का वैसे आएगा, एक्स पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्योंकि टी की रिस्पेक्ट से ले रहे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव आएगा जो डी एक्स बटा डी टी, ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, वन हमारे पास तब आता है जब हम उसी वेरिएबल का उसी की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे होते हैं, फिर हमारे पास वन आता, वैसे वन नहीं आता, तो टू डी एक्स बाय डी टी उसके बाद प्लस लिखे थ्री y के डेरिवेटिव t की रिस्पेक्ट से लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डी वाई बाई डी टी वैसे का वैसे आ जाएगा। ठीक है, विच इज इक्वल टू अब ट्वेल्व क्योंकि कॉन्स्टेंट इसका डेरिवेटिव आपके पास जीरो, तो यहाँ पे जीरो लिख सकते हैं आप लोग, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या बने जा रहा है, दो वैसे का वैसे लिखे डी एक्स बाई डी टी वैसे का वैसे लिखे प्लस थ्री वैसे का वैसे लिखे डी वाई बटा डी टी की उसने आपको वैल्यू दी हुई है, तो वैल्यू क्या दी हुई है जी डी वाई बाई डी टी की, उसने माइनस टू दी हुई है तो डी वाई बाई डी टी की जगह पे आप लोग माइनस टू पुट कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा, माइनस टू पुट करें विच इज इक्वल टू जीरो, तो ये क्या बनेगा आपके पास टू डी एक्स बाई डी टी माइनस सिक्स विच इज इक्वल टू जीरो, तो ये बनने जा रहा है जी आपके पास टू डी एक्स बाई डी टी विच इज इक्वल टू सिक्स को उधर ले जाए तो सिक्स बन जाएगा, माइनस सिक्स को उधर लेके जाएंगे तो ये सिक्स बन जाएगा, अब ये टू को उधर डिवाइड कर दें तो डी एक्स बाई डी टी विच इज इक्वल टू सिक्स बाय टू, तो कैंसिल कर दें जी इनको, ये बन जाएगा डी एक्स बाय डी टी विच इज इक्वल टू थ्री। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फोर। ठीक है जी, नेक्स्ट हम आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव की बात करते हैं, तो उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है जी चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो लाजमी कर दिया करें, अपने फ्रेंड या फैमिली के साथ लाजमी शेयर कर दिया करें, चलें फैमिली के साथ नहीं तो कम से कम अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर किया करें ना, क्योंकि अच्छी चीज को शेयर करना सदका है। तो चलिए देखते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव की बात करते हैं, उसमें आपको क्या कहता है जी, क्वेश्चन नंबर फाइव में कहता है वाई विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कहता है जी यहाँ पे वाई विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और फाइंड इसमें आप लोगों ने क्या करना है, कहता है वाई विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी उसने आपको थ्री दिया हुआ है और डी वाई बाई डी टी आपने फाइंड करना है जब आपके पास एक्स विच इज इक्वल टू माइनस वन होगा, यानी कि dy by dt हम लोग इसमें फाइंड करेंगे। तो देखते हैं जी dy by dt फाइंड करते हैं, तो dy by dt तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसका डेरिवेटिव तो 2x हो जाएगा, फिर x का डेरिवेटिव लेंगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, dx by dt वैसे का वैसे आ जाएगा। अब क्योंकि उसने आपको dx by dt की वैल्यू दी हुई है, वो उसने आपको दी हुई है 3, तो dx by dt की जगह आप लोग 3 पुट करेंगे dy over dt which is equal to 2x, इसकी जगह पे 3 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास डी वाई बाई डी टी विच इज इक्वल टू, ये बन जाएगा जी 6x। अब वो कहता है कि आपने डी वाई बाई डी टी की वैल्यू तो फाइंड करनी है लेकिन किस पॉइंट पे, एट x इज इक्वल टू माइनस वन, कहता है एट x इज इक्वल टू माइनस वन पे फाइंड करेंगे तो ये बनेगा डी वाई बाई डी टी एट x इज इक्वल टू माइनस वन विच इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस वन पुट करें तो ये आंसर आएगा जी माइनस सिक्स। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फाइव। यही हमारे पास आज का लेक्चर था, हमने स्टार्ट किया एक्सरसाइज 3.8 को, सिंपल है, बहुत ईजी है, लाजमी अपना ख्याल रखा करें, इस चैनल का भी ख्याल रखा करें। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं वीडियो अपलोड करता रहूंगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।